हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में जो कि है फन एंड लर्न टाइम। देखिए, आज हम लोग आलू और ब्रेड से बना टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, मैंने 5 बड़े आलूओं को बॉईल कर लिया। याद रहे, हमें कच्चा आलू नहीं लेना है। और इसके साथ ही मैं ये देखिए ब्रेड ले रही हूँ, जिसको ना मुझे भिगोए हूँ ना सीखी हूँ, और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे ही मिक्सर में हम लोग ग्राइंड कर लेंगे सूखा। मैं ग्राइंड करने के बाद आप लोग को दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये हमने ब्रेड को ग्राइंड कर लिया है और ये आलूओं को मैं कद्दूकस कर लूँगी। ये देखिए, मेरा आलू मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम लोग जो ब्रेड का चूर बना के रखे थे उसमें से थोड़ा हम लोग बचा लेंगे और बाकी इसमें ऐड कर देंगे। कम से कम 2 ब्रेड का चूर हम लोग बचा लेंगे। और इसके साथ ही हम लोग इसमें ऐड करेंगे साबुत जीरा। जीरा को मैंने साबुत ही ऐड कर दिया है। और ये कस्तूरी मेथी, ये जब कस्तूरी मेथी जब फ्राई होती है तो इसका स्वाद अलग से ही आता है। कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची और चाट मसाला स्वाद के अनुसार नमक। इन सबको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमारा आलू अगर ज़्यादा यूज रहेगा तो उसमें और हम लोग थोड़ा सा ब्रेड मिला लेंगे। देखिए, मैंने काली मिर्च कूट के रखा था जो कि मैं डालना भूल गई थी, वो मैं डाल रही हूँ। और इसके साथ ही हम लोग हरा धनिया भी ऐड करेंगे। मेरे पास धनिया नहीं है इस टाइम, इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ, लेकिन आप लोग के पास अगर धनिया होगा तो आप लोग धनिया ज़रूर डालेगा, उससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इस तरह से हम लोग इसमें गूथ लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसको ऐसे हम लोग छोटा छोटा टुकड़े में टिक्की बना लेंगे। आप लोग अपने मन चाहे साइज का बना सकते हैं, मैं गोल गोल भी बना रही हूँ। आप लोग हार्ट शेप में या लंबे वाले आकार में और राउंड शेप में कैसे भी बना सकते हैं। इसको मैं बना के उसके बाद आप लोग को बता दूँ, दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी सारी टिक्की बन के तैयार हो गई है। कुछ मैंने अंडाकार में किया है, कुछ मैंने चिक्की शेप में किया है। और ये देखिए, कोडिंग के लिए मैंने ये गोल लिया है और ये साथ में जो मैंने ब्रेड का चूर बना के रखा था वो है। अब इसे मैं आप लोगों को इस फोक की मदद से कोडिंग करके दिखाती हूँ। इसको ऐसे डिप करना है। याद रहे, कोडिंग का हमारा ज़्यादा वो नहीं रहेगा, ताकि हमारा ब्रेड अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से करके इसको हम लोग थोड़ा सा हाथ से ऐसे ऐसे कर देंगे और इसको हम लोग डीप फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम और भी कोडिंग कर ले रहे हैं। देखिए, इसको डीप फ्राई होने तक हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कटलेट बनके तैयार हो गया है। ऐसे ही हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे और ऐसे धीरे धीरे सारा फ्राई कर लेंगे। इतने कम सामान में और इतने कम समय में इतना हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए, कितना सुंदर और प्यारा कलर खिल के आ रहा है। आप लोग मेरे डिशेस को अपने घरों में ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। और ऐसे ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा फ्राई हो गया है और इसे मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। ये देखिए, कितना टेस्टी कलर आया है, कितना अच्छा लुक आया है, कितना बढ़िया बना है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।